मोदी बाल अपराधी है और ये अपने बाप का नाम नहीं बताता कि मेरे बाप का नाम क्या है, मेरा बाप क्या करता है। कोई महापुरुष होता है उसकी ये चर्चा नहीं करता है। आंख फोड़ेंगे बाद में, अच्छा चश्मा बनवा देंगे, यही तो उनकी चाल है। भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है, काल्पनिक सपनों पर जनता को चूतिया बनाना। बहुजन समाज पार्टी की यही नीत है कि सबको साथ लेकर चलने की है। ना हमारी नजर में कोई हिंदू है, ना हमारी नजर में कोई मुस्लिम है। सांप पकड़ने के लिए वहाँ पर इसके बाप ने चोरी की, दुनिया में दंगा बज रहा है मोदी जी का। हो गया शिक्षा से संबंधित हो, चाहे राजनीतिक संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, और चाहे किसी चीज से भी संबंधित हो, सबको बराबरी का अधिकार मिलता था। इस वक्त यूपी के कानपुर के बसपा के जिला कार्यालय में हूँ। है कि यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर दिया है। इसी बात पे हम लोग बसपा के स्टैंड को समझने का प्रयास करेंगे। जब से विश्वनाथ पाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, बीएसपी में एक नई एनर्जी आती हुई दिख रही है। ओबीसी को साथ लाने की भरकस प्रयास भी किया जा रहा है। तो कई मुद्दों को लेकर आज हम इनसे जुड़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि बीएसपी का इस ओबीसी आरक्षण के खत्म होने पर क्या स्टैंड है। सबसे पहले सर, आप लोग अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम रामनारायण निषाद है, मैं जिला महासचिव हूँ बहुजन समाज पार्टी का। तो जिस प्रकार से लखनऊ बेंच ने ओबीसी के आरक्षण को खत्म किया है, तो क्या रिएक्शन है आप लोगों का? भारतीय जनता पार्टी की ये शुरू से नीति रही है कि आज इस देश में ओबीसी लगभग 60% है। बहुत दिनों से मांग कर रहा ओबीसी समाज कि उसकी जाति जनगणना कराई जाए, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने वो नहीं कराया। यहाँ पर 27% जो मंडल कमीशन द्वारा आरक्षण मिल रहा था, उसमें जो नगर निकाय चुनाव या पंचायत में यही लागू है, लोकसभा विधानसभा में लागू नहीं है, वो भी इन लोगों ने अपने आदमी से पहले कोर्ट में दाखिल कराते हैं। उसके बाद में जो इस समय जो बैठे हुए हैं वो सब उन्हीं लोगों के आदमी बैठे हुए हैं, उन्हीं से खारिज कराते हैं। अगर उनकी मंशा सही होती तो सही ढंग से पैरवी करे होते, पैरवी सही होती तो क्यों नौबत आती बैकवर्ड की? जो तो कह रहे हैं ना कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर से बहाल करवाएंगे, फिर क्या तकलीफ है? तो वो यही तो करते हैं ये लोग कि एक बार, वही नहीं कहते हैं कि पहले आपका आंख फोड़ेंगे बाद में अच्छा चश्मा बनवा देंगे, यही तो उनकी चाल है। सर आरक्षण लेके क्या कीजिएगा, राम मंदिर तो बनवा दिया। राम मंदिर यही तो ये करना चाहते हैं कि जो ओबीसी जो बहुजन समाज का आदमी है वो राम मंदिर में घंटा बजाए जा करके वो अपना क्रीम जो अच्छी जगह पोस्टों पे अपना राज करें, यही तो उनकी नीयत ही है। बीजेपी मुस्लिमों को टाइट रखती है, उसके अगेंस्ट में क्या प्लान है आप लोगों का? वो यही कि क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं अगर ये एक हो गए तो हम इस देश में नहीं टिक पाएंगे। इसी वजह से वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। अगर कहीं भी हिंदू मुस्लिम का काट है आप लोगों के पास? काट क्या, हमारे जो जितने भी हमारे समाज के लोग हैं जागरूक कर रहे हैं, समाज के जो बैकवर्ड के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, क्योंकि इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा एक ही है हिंदू मुस्लिम आपस में लड़वा करके हम दिल्ली में प्रदेश में राज करें, यही उनकी चाल है, यही वो कर रहे हुए हैं। क्या लगता है जातीय जनगणना होने से हिंदू मुस्लिम की जो यूएसपी बीजेपी हथियाए हुए है उसका काट आप लोग जातीय जनगणना को लाके क्या उसका काट निकाल सकते हैं? जब तक ये लोग करवा देंगे तो उसमें हकीकत है मालूम हो जाएगी देश को, क्योंकि इन ये लोग कहते तो हैं हम 20% हैं 15% हैं, लेकिन वास्तविक इनकी जनगणना बहुत कम है। अभी ओपन अगर कर दें तो मेरी समझ में 10 से भी नीचे आ जाएगी, क्योंकि एक लोग बता रहे थे कि 8.3 इनकी है, इसी वजह से ओपन नहीं कर रहे हैं। इस समय जो ओबीसी की लगभग 60% है आबादी, 1931 में जनगणना हुई थी उसमें 52% निकली थी, आज की तारीख में लगभग 60% है। इसी वजह से ये नहीं कराना चाहते कि जैसे हाथी अपनी ताकत को अगर पहचान जाए तो वो अच्छे अच्छों को पछाड़ सकता है, तो इस वजह से कि इस बहुजन समाज को ये लोग अपनी ताकत को जाने नहीं देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हिंदू राष्ट्र फिर कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र की लड़ाई लड़ रही है ना बीजेपी,
उसका क्या काट है आप लोगों के पास? हिंदू है कौन इस देश में? अरे आपकी बहन मायावती भी तो फरसा लहरा रही थी कि वो ये समझ लीजिए कि आज देश में जितना एससी ओबीसी है, अब हिंदू में बैकवर्ड समाज का आदमी आता है क्यों नहीं उसको मंदिर में जाने देते हैं? दलित समाज हिंदू आता है व्यक्ति उसको क्यों नहीं मंदिर में जाने देते हैं? हिंदू तो केवल अपर कास्ट के लोग वो अपने आप समझते हैं, बीसीएससी को कहाँ समझते हैं? अगर समझते होते तो उनको क्यों सम्मान नहीं दे रहे हैं? एक सीरियस सवाल लेंगे हम। अक्सर पूरे यूपी में कभी उन्नाव से कहीं कहीं और से एससी के साथ जो एट्रोसिटी हो रही है अक्सर खबरें आती हैं। उन्नाव का घटना आपको पता है, कुलदीप सिंह सेंगर का, उसके बाद हाथरस का कांड आपको याद है। तो मायावती कहाँ सड़क पे आई? हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग तोड़फोड़ करने पे विश्वास नहीं करते हैं। जो भी बात होती है वो हम लोग जो प्रतिनिधिमंडल होता है वो अपने जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी होते हैं उनसे बात करता है जा करके। जो भी घटनाएं होती हैं तो ये हम लोग तोड़फोड़ नहीं करते हैं। आपका सर सोनाम? इमरान हाशमी, जिला उपाध्यक्ष। जिला उपाध्यक्ष कानपुर के आप ना? तो बीजेपी के पास कई यंत्र हैं, उसके पास ईडी है, सीबीआई है, मीडिया है, जुडिशियरी में उसके लोग हैं, उसके समर्थक लोग हैं, मुस्लिमों को वो टाइट रखती है, हिंदू मंदिर बनवाती है, इतने सारे उसके पास एसेट्स हैं, आपके पास क्या है? देखिए हमारे पास जो है, हम बहुजन समाज को लेके चलते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करते हैं, सारा समाज एक सा है हमारे समान। हजारों साल से हम इस देश में सब एक साथ रहते आए हैं और रह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की यही नीत है कि सबको साथ लेकर चलने की है। ना हमारी नज़र में कोई हिंदू है, ना हमारी नज़र में कोई मुस्लिम है, हम सबका सम्मान करते हैं। चलिए सर, 24 को लेकर क्या तैयारी है? 24 में क्या मोदी जी को आप लोग टक्कर दे पाएंगे? हम भाजपा का सूपड़ा साफ कर देंगे, 2024 में बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। भाजपा खत्म हो गई है, भाजपा खत्म हो गई है। ओबीसी समाज अब एकजुट होकर, मुस्लिम समाज और ओबीसी समाज एकजुट होकर बसपा के साथ है। अभी आपने आपका वोट तो सर विधानसभा में प्रतिशत में घट गया, सीटें घट गई, आप प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। देखिए ये मीडिया ने दुष्प्रचार किया हमारे लोगों के पास जाकर कि बहन जी को राष्ट्रपति बनाने जा रही है बीजेपी। तो हमारे लोग बहक गए थे, हमारे लोग उसमें बहक गए थे, थोड़ा इधर उधर हो गए, अब एकजुट हो गए हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप देखिए, अगर निकाय के चुनाव में हम भाजपा सपा कांग्रेस सबका सूपड़ा साफ करने जा रहे हैं। मीडिया से आप लोग नाराज रहते हैं क्या? नहीं नाराज, मीडिया जो है ठीक जो है वो छापे, सच्चाई छापे। सच्चाई नहीं छापती है मीडिया, कभी कहाँ छापती है सच्चाई? ऐसा क्यों क्यों ऐसा क्यों लगता है कि मीडिया आप लोग का साथ क्यों नहीं देती है? कभी इस बात पर गौर किया है? ये मीडिया वाले जाने इस बात को, ये बात ये मीडिया वाले जाने, हम तो कह नहीं सकते इस बात को, ये तो मीडिया वाले खुद समझे। मैं आपको कह दे रहा हूँ, मीडिया में मीडिया जुडिशियरी ब्यूरोक्रेसी सभी जगह पे सवर्णों का कब्जा है, उनकी वैचारिक सहमति है सरकार के साथ में, वो आपका खबर क्यों छापेगी? आपको जब मौका मिला आपने अपना मीडिया खड़ा करने का क्यों प्रयास नहीं किया? देखिए बात तो अब ऐसा है, ये तो हमारे ऊपर का मामला है। अब ये मीडिया आगे चलकर जैसे कि तमाम मीडिया वाले हैं जो सच्चाई छापते हैं, है ना, तमाम मीडिया वाले हैं जो सच्चाई छापते हैं, वो ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि वो बहुजन समाज पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों या और अदर किसी के लोग हों, जो सच्चाई छापते हैं, जो मीडिया जो है माना कि लोग कहते हैं गोदी मीडिया, है ना, मीडिया से आप लोग नाराज रहते हैं ना, आपकी खबर नहीं चलाती है। सच्चाई छापे तो नाराज कभी नहीं रहेंगे, बिल्कुल जो है सामने वो छापे मीडिया। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी ब्यूरोक्रेसी मीडिया बिजनेस जो पावर सेंटर्स हैं वहाँ सवर्णों का कब्जा है और वह कहीं ना कहीं उसकी वैचारिक सहमति बीजेपी के साथ है, क्या इस खेल को आप लोग समझ पाते हैं? बिल्कुल, इसमें हमारी एक सबसे बड़ी बात है कि हम लोग धन्ना सेठू की पार्टी नहीं है, एक जमीनी कार्यकर्ताओं के मेहनत सोशल सेना ही तैयार की हुई पार्टी है। बहन जी की जब सरकार बनी थी, बहन जी ने अपने समाज के लिए स्कूल कॉलेज मेडिकल काम किया जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय,
उन्होंने सत्ता पे ही ध्यान ना देकर के कि हमें सत्ता ही जरूरी प्राप्त करनी है, पहले अपने लोगों को मजबूत करना और समाज में जो भी हो सके, मतलब जो हेल्प हो सके गरीब तबके के लिए, काशीराम आवास योजना, मेडिकल कॉलेज, इन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, ना कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए उसको, जैसे मीडिया, अभी गोदी मीडिया की ही बात बता रहे हैं, मीडिया जैसे ना उन लोगों ने जो सरकारी पैसा भी है वो भी यूज करा अपने, नहीं, हर... नहीं, इस मामले में मायावती भी सबसे अधिक मीडिया को ऐड देती थी, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि फिर भी मायावती के करेक्टर का एसोसिएशन, उनके कामों को नहीं बताना ये मीडिया का खेल रहा था उस वक्त भी, तो ये पैसों की बात नहीं है, उनकी वैचारिक सहमति है बीजेपी के साथ में, सभी सवर्ण बैठे हुए वहाँ पे, सभी चीजें पैसे भी डिपेंड होती हैं, अगर मीडिया को पैसा ना पहुंचे तो मीडिया कभी ना बीजेपी को दिखाए ना कांग्रेस, जिस पार्टी का पैसा पहुंचता उसी को दिखाया जाता है, और यही हकीकत है। जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जहां सरकार है वहां भी सरकार मीडिया को पैसा देती है, ऐड चलवाती है, फिर भी जैसे अब बिहार को ले लीजिए, जब से बिहार में आरजेडी और जदयू साथ आई है, मानो जंगल आज बॉर्डर पे था, जैसे ही दोनों बहुजन का सरकार बना जंगल आज वापस आ गया, जब तक बीजेपी थी जंगल आज नहीं था, तो मीडिया के इस खेल को आप लोग समझिए। ये कारण यही है कि जहाँ पे ओबीसी दलित समाज जहाँ उभरता हुआ दिखता है वहाँ पे यही दिखाया जाता है कि दलित काम पे लग जाती है, काम पे लग जाती है, क्योंकि उसका मेन मोटिव है कि आरएसएस को ज्यादा से ज्यादा फैला सके, और आरएसएस के ही हाथ में पूरी मीडिया, गोदी मीडिया, हर चीज जो इस समय जो अधिकारी हैं जो भी हैं सब उन्हीं के धन, उसी के सारे पे चल रहे हैं, बहुजन समाज को नकारा जा रहा है, हर जगह यही चीज हो रही, अन्य सीटों में भी यही चीज है, जहाँ पे देखा है कि ओबीसी समाज या एससी समाज का प्रधान मुख्यमंत्री है वहाँ पे यही चीज करी जा रही है, उसको नकारात्मक दिखाया जा रहा है, ताकि ये चीजें, इस खेल को समझना बेहद जरूरी है। जहाँ जहाँ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की सरकार होती है, उनके लोग होते हैं, उनके लोग प्रधानमंत्री होते हैं, वहाँ वहाँ मीडिया काम पे लग जाती है, उनके उनके इमेज को डैमेज करने में लग जाती है, और वही वजह है कि चाहे माननीय काशीराम हो, मुलायम सिंह यादव हो, बहन मायावती हो, लालू यादव हो, या शिबू सोरेन हो, सबको मीडिया ने उन्हीं के समाज के लोगों के नज़रों में विलेन बना दिया, भ्रष्टाचारी बना दिया, उनके उनके नेम को डिफेम किया। और भी लोगों से हम लोग बात करेंगे, सर आपका सर सुनाओ। मैं बीके शुक्ला एडवोकेट हूँ, पूर्व मेयर प्रत्याशी हूँ 2012 में, बीएसपी में है, नहीं बीएसपी में 2014 में मैं आया हूँ, और पीस पार्टी से मैं मेयर का चुनाव लड़ा हूँ। तो बीएसपी में आप क्यों चले आए, बीजेपी तो मंदिर बनवा रही है ना आप लोगों के लिए? बीएसपी जनता के लिए वरदान है, आज रक्षा तंत्र जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की हुकूमत केवल काल्पनिक सपनों और अपराध पर केंद्रित है, केवल झूठे मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। आज न्यायालय चले जाइए, आप जितना जो वीकर क्लास है, 90% जेलों में वीकर क्लास फंसा हुआ है, जिसका कोई हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग हुकूमत दोषी है। बहन मायावती को आज उत्तर प्रदेश में याद किया जा रहा है इंसाफ के लिए, इन परिस्थितियों में अब कोई विकल्प नहीं बचा है। एक सवाल रहेगा आपका सर, सुनाम मुखर्जी यादव, मुखर्जी यादव, आपसे सवाल लेता हूँ। हाँ, बीजेपी के पास 3-4 यूएसपी हैं, वह राम मंदिर बनवाती है, मुस्लिमों को टाइट रखती है, हिंदू मुस्लिम के खेल में आपसे आगे है, उसका क्या काट है आप लोगों के पास? भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है, काल्पनिक सपनों पर जनता को चूतिया बनाना। आज मोदी जी भगवान है, अब मोदी जी भगवान नहीं, मोदी जी देश को गुलाम करने की स्थिति में देश को खड़ा कर दिया है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो इन्होंने बेचा नहीं है। हुकूमत, वो तो फकीर है, फकीर फकीर नहीं है, फकीर के नाम पर कलंक है। दुनिया का सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला भारत का प्रधानमंत्री है। गरीब का बेटा है, गरीब का बेटा नहीं है, वो बाल अपराधी है। मोदी बाल अपराधी है,
और ये अपने बाप का नाम नहीं बताता कि मेरे बाप का नाम क्या है, मेरा बाप क्या करता है। कोई महापुरुष होता है उसकी ये चर्चा नहीं करता है। दूसरे राजनीतिक दल की बायोग्राफी ढूंढता है। और आप मीडिया चलाते हैं, आप मोदी जी के बाप क्या करते थे जरा बताइए आप। तो उनके बाबूजी चाय की दुकान चलाते थे, उसे मोदी जी चाय बेचते थे। मोदी जी के बाप सांप दिखाते थे, सांप पकड़ते थे। और चोर और एक लाला के यहाँ चोरी, जब वो सांप पकड़ने के लिए वहाँ पर इसके बाप ने चोरी की। दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का, दुनिया में डंका बज रहा है भारत का। दुनिया में डंका, देखिए ये कलयुग है, यहाँ की भारत की जनता है भोली भाली जनता है। मुगल शासन कर गए, अंग्रेज शासन कर गए। इतिहास नहीं जाएंगे, मोदी जी ने मंदिर बनवाया है ना, और उस पे वोट मिलता है। ऐसा है कि मंदिर एक काल्पनिक सपना बेचने का प्रोडक्ट है। और को टाइट रखते हैं, उसकी चूड़ी टाइट रखते हैं। चूड़ी टाइट नहीं रखते हैं, वो अपराध कर रहे हैं। उन्होंने क्राइम 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 भारत को विश्व गुरु बना दिया। विश्व गुरु बनाने का जो मामला है वो भी आपराधिक षड्यंत्र है। इसमें विभिन्न देशों में मोदी जी घूमते रहे। सबको घर मिल गया पक्का का। पक्का घर किनको मिला है? अच्छा दिन आया है। अच्छा दिन नहीं आया है। ये 15 लाख रुपया मेरे पास है, आपके पास नहीं आया क्या? देखिए 15 लाख रुपया आ गया, इसलिए इतना चिल्ला रहे हैं आप। आप देखिए सच्चाई के निकट आइए। आपको जो भारत के प्रधानमंत्री के पिता क्या करते थे ये नहीं मालूम? मीडिया को अगर ये नहीं मालूम, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है देश का? सबको रोजगार मिला है, 2 करोड़ हर साल मिला है। अरे सबसे गंभीर बात यह है, मीडिया इज गवर्निंग ऑफ दी सोसाइटी एंड गवर्निंग ऑफ दी ब्यूरोक्रेसी, गवर्निंग ऑफ दी डेमोक्रेसी। मीडिया क्या, मीडिया सच नहीं दिखाता है? मीडिया सच नहीं दिखाने में इसलिए कामयाब नहीं है क्योंकि काल्पनिक सपनों की धाराओं से प्रभावित है। चीन थर थर कांपता है मोदी जी से। चीन ये सच्चाई तो ही सामने मीडिया नहीं ला रहा है। इसके लिए मीडिया अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है। सबसे शानदार मीडिया है भारत का। भारत का मीडिया पूंजीवाद पर बेस्ड है। जितने आर्थिक अपराधी हैं वही अखबार चलाते हैं। नेताजी सब चोर हैं, SC ST OBC वाले। दैनिक जागरण अखबार की बात बता रहा हूं मैं, ये कितना बड़ा अपराध का प्लेटफार्म है मालूम है आपको? छोड़ दीजिए, मेरी बात समझिए। अभी किस हाउस में मीडिया आर्थिक अपराधी चला रहे हैं पूरे देश में, और अपने आर्थिक अपराध को छिपाने के लिए सत्ता के गलियारे में हाथ पैर जोड़ रहे हैं। तो क्या लगता है 24 में मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे आप लोग? 2024 में खेल खत्म है मोदी जी का। फिर दोबारा 545 सीट जीत के अब पूरे देश की जनता बहन जी के यादों में इतना चिंतित है कि बहन जी नहीं आई तो हमारा क्या होगा। चलिए ये कुछ सवाल थे, और मीडिया को लेकर जिस प्रकार से लोगों में अवेयरनेस है वह भी अच्छी बात है। और भी लोग कुछ बात करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अनुज कुमार सिद्धार्थ। कहाँ से हैं सर? फजलगंज से, वार्ड 20। क्या लग रहा है 24 में मोदी जी को आप लोग टक्कर दे पाएंगे? ये जो आप बता रहे थे सवाल, आपने पूछा था 15 लाख रुपए जो आए हैं, ये मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ खड़े अगर 15-20 लोग भी बता दें किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए हो तो ये मोदी की बात सच हो जाए। अगर ये बात हो जाए और कल के बीजेपी को वोट दीजिए, पैसे आ जाएंगे आपको भी। पाकिस्तान के लोग आए दिन हमला होता है, बेचारे हमारे सैनिक मारे जा रहे, हमारे जवान मारे जा रहे, वहाँ मोदी जी का रुतबा नहीं चल रहा है। फिर भी तो योगी जी आए ना। चीन आ रहा है, धमकी दे रहा, वहाँ मोदी जी का रुतबा नहीं चल रहा है। सिर्फ मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, ये मुद्दा उनका चल रहा, मंदिर बनवा दिया। तो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं आप लोग? नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते, भारतीय चाहते। हम सब भारतीय बनना चाहते, हिंदू नहीं बनना चाहते, भारतीय बनना चाहते हम सब। हिंदू राष्ट्र में हमारे सारे लोग भारतीय बनना चाहते, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। मुस्लिमों
ये गलत है। आप मुस्लिम को दबा के किसी और कास्ट को दबा के ऊंचा नहीं उठ सकते। सबको सम्मान लेके चला जा सकता है, सबको साथ लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही चाहिए आपका सुना मैम। एडवोकेट किरण लता गौतम, कृष्णा नगर से, कानपुर। तो महिलाएं भी पॉलिटिक्स बीएसपी में जुड़ रही है ना बड़े स्तर जी? जी हाँ, बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं भी आगे आ रही हैं। आप लोग क्यों जुड़ रहे हैं बीएसपी में? इसलिए जुड़ रहे हैं कि महिलाओं को न्याय मिलता है, सभी समाज के लोगों को न्याय मिलता है। और मायावती जी ने बहुत ऐसे काम किए हैं जो बड़े गर्व की बात है और बड़े फख्र होता है। और हमें ये अफसोस होता है कि हाँ, उनकी गवर्नमेंट नहीं है। उनकी गवर्नमेंट थी जब चार बार मायावती जी बनी थी, तो बहुत अच्छा माहौल था जो समाज में देखने को मिला। शिक्षा से संबंधित हो, चाहे राजनैतिक संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, और चाहे किसी चीज़ से भी संबंधित हो, सबको बराबरी का अधिकार मिलता था। और बहन बेटियां जो हमारी थी बहुत सुरक्षित महसूस करती थी। और आज जो हाल है बहुत अफसोसजनक है हाल कि हमारी बच्चियों के साथ क्या होता है। और न्याय की तो बहुत दूर की बात कर लें, न्याय मिलने से ही रहा है। तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि राज्य में बेटियाँ तो सबसे अधिक सुरक्षित है योगी जी के राज्य में। इसके बारे में तो हम क्या बोलेंगे। क्या लगता है कि 24 को लेकर जिस तरह से बातें चल रही है, विपक्ष एक हो पाएगा, मोदी जी को आप लोग टक्कर दे पाएंगे? पहले हम अपनी बात थोड़ी ये करना चाहता हूँ कि मैं चैलेंज देता हूँ कि एक बार ईवीएम हटा दो और फिर बहुजन समाज पार्टी की ताकत देख लो। ईवीएम से क्या चैलेंज देता हूँ, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्या, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में, भारत में शासन करेगी। माननीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री होगी। मोदी जी तो सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। मोदी सबसे बड़ा बेईमान, भ्रष्ट, पाखंड, धूर्त इस देश का शासक है, जो महा इंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है। एमए उसने पता नहीं कौन से स्कूल से किया है, उसकी डिग्री का पता नहीं है। इतना धूर्त, इतना शैतान इस देश का शासक है, जिसने सारा कारोबार खत्म कर दिया। पूरी इस देश की जनता त्राही त्राही करने लगी है। 370 हटाया, राम मंदिर बनवा दिया, और क्या चाहिए? से फायदा क्या हुआ बताइए? कोई यहाँ का आदमी वहाँ जमीन लेके रहेगा जाके, या वहाँ का कोई आदमी खरीद वहाँ कौन रहेगा जाके बताइए? राम मंदिर में जाके भजन कर सकते हैं ना। राम मंदिर क्या बनाएगा? राम मंदिर भिखारी बनाएगा? अरे कितने तुमने स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले, कितने अस्पताल बनाए, कितनी शिक्षा की व्यवस्था की, शिक्षा व्यवस्था तुमने एकदम भ्रष्ट कर दी है। चुनाव आयोग को इस तरह से खरीद रखा है, चुनाव आयोग को इन्होंने इस तरह से खरीद रखा है, इतने गुलाम बना रखा है। आज इन्होंने ईडी को खरीद रखा, सीबीआई खरीद, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट देखिए, रातों रात 24 घंटे के अंदर बीआरएस दिला करके अरुण गोयल को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। क्या है इस देश में? इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। साथियों, मैं इस चैनल के माध्यम से हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हो? देखिए, हिंदू राष्ट्र ये कौन सा राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र नहीं है तो क्या है? किसका शासन चल रहा है यहाँ? मुस्लिमों का चोरी टाइट है। इसका मुख्यमंत्री हिंदू, इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश का राष्ट्रपति हिंदू, तो बताइए किस कौन सा राष्ट्र चल रहा? हिंदू राष्ट्र नहीं है फिर क्या मुस्लिम राष्ट्र है? फिर भी मोदी जी नहीं रहेंगे, देश खतरे में चला जाएगा। मोदी जी रहेंगे तो देश खत्म हो जाएगा, खतरे में नहीं हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा। 24 अगर 2024 में ये मोदी आ गया तो इस देश की जनता सड़कों पर भीख मांगेगी, भिखारी बन जाएगी, त्राही त्राही करने लगी। इसलिए इस चैनल के माध्यम से हम इस देश की जनता को आगाह करना चाहते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने से पहले हमें ईवीएम की लड़ाई लड़ना होगी, हमें चुनाव आयोग का घेराव करना होगा। चुनाव आयोग अगर नहीं मानता है तो हमें उस पर लाठी डंडों से उसका घेराव करना होगा, ईंट का जवाब पत्थर देना होगा। कहते हैं कि लातों के देवी बातों से नहीं मानती हैं, तो चुनाव इस तरह से धट हो चुका है कि हमें सारे बहुजन एससी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट होकर के चुनाव आयोग को घेराव करना होगा। अगर चुनाव आयोग नहीं ईवीएम हटाता है तो बैलेट बॉक्स नहीं लाता है तो हमें सारी देश की जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, नहीं बनना तो 2024 में ये मोदी फिर आ जाएगा और देश का तबाह सत्यानाश कर देगा। आपका सुनाओ।
मेरा नाम राजकुमार वर्मा है। सब लोग तो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, एसपी अलग है, बीएसपी अलग है, कांग्रेस अलग लड़ेगी, तो कैसे आप लोग मोदी टक्कर दे पाएंगे? आप मोदी टक्कर ऐसा है कि सन 24 में मोदी रहेगा ही नहीं। नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? इसने इसलिए नहीं रहेगा कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, ये जितने भी दलित समाज की जो पार्टियां हैं, इसने एका करने की बातचीत चल रही है। आगे चल के 24 में ये सब लोग एक मंच पर आएंगे और बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। मोदी जी सन 2024 में रहेंगे ही नहीं, ना इनकी पार्टी रहेगी ना भाजपा रहेगी। ये लोग बिल्कुल गायब हो जाएंगे। ये सब बीएसपी के कार्यकर्ता थे, कानपुर पार्टी कार्यालय में हम लोग हैं। जो आप गोदी मीडिया की बात करते हैं, ये गोदी मीडिया के लोग ये सरकार की दलाली करते हैं, सीधे सीधे सरकार की बातचीत रखते हैं और सरकार के लोगों को कैसे इनको प्रोजेक्ट किया जाए ये गोदी मीडिया के लोग जानते हैं। चाहे वो ये आपको मीडिया क्यों दिखाएगा, आपके लोग मीडिया में है ही नहीं, फिर दिखाएगा क्यों? तो ये सारे सवाल थे, कई सवाल जो जनता के मनों में होता है मीडिया को लेके, देश को लेकर, वही सवाल हमने इनसे पूछे। जो सवाल कहीं ना कहीं टीवी अखबार दिखाते हैं, उसी सवाल को लेके हम लोग इनके बीच में थे। यह भी एक लंबा वक्त लगेगा जब तक हर घर तक शिक्षा नहीं जाएगी। माननीय कांसी राम जी ने कहा था कि जितनी शिक्षा के हम करीब जाएंगे, शिक्षित होंगे, और उतनी अधिक एट्रोसिटी भी बढ़ती जाएगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।